फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ का क्या इस्तेमाल है, यानी वर्ड सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ को कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत छोटा कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वर्ड सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ मीन्स जरा सा या थोड़ा सा होता है। यानी कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं थोड़ा सा या जरा सा। जैसे मैं थोड़ा सा मोटा हूँ या मैं जरा सा मोटा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम शॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो मैं थोड़ा सा मोटा हूँ या मैं जरा सा मोटा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम शॉर्ट ऑफ फैट या आई एम काइंड ऑफ फैट। तो फ्रेंड्स, सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का मीनिंग जरा सा या थोड़ा सा होता है और ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबल हैं। यानी वर्ड जरा सा या थोड़ा सा के लिए आप सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात और शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह थोड़ा सा सांवली है, तो आप कहेंगे सी इज सॉर्ट ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्सेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह थोड़ा सा शर्मीली है, तो आप कहेंगे सी इज काइंड ऑफ शाई। अगर आपको कहना हो वे लोग थोड़ा सा लालची हैं या वे लोग जरा सा लालची हैं, तो आप कहेंगे दे आर काइंड ऑफ ग्रीडी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वे लोग थोड़ा सा थके हैं या वे लोग जरा सा थके हैं, तो आप कहेंगे दे आर सॉर्ट ऑफ टायर्ड या दे आर काइंड ऑफ टायर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ या मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, तो आप कहेंगे आई एम सॉर्ट ऑफ वरीड या आई एम काइंड ऑफ वरीड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह थोड़ा सा घबराई हुई है या वह जरा सा घबराई हुई है, तो आप कहेंगे सी इज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह जरा सा छोटे कद की थी, तो आप कहेंगे सी वाज सॉर्ट ऑफ अंडरसाइज्ड या सी वाज काइंड ऑफ अंडरसाइज्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आप थोड़े से दुबले हैं, तो आप कहेंगे यू आर सॉर्ट ऑफ थिन या यू आर काइंड ऑफ थिन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, यह बात आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो थोड़ा सा या जरा सा, शॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ का इस्तेमाल हम के तरह का या के प्रकार का के लिए भी करते हैं। यानी शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ का दूसरा यूज ये है कि जब आपको कहना हो इस तरह का या इस प्रकार का, तो आप सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। जैसे लिखा हो मैं इस तरह के कपड़े पसंद नहीं करता हूँ, तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप काइंड ऑफ के जगह पर सॉर्ट ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ काइंड ऑफ का मीनिंग है तरह के या प्रकार के। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो इस तरह के या इस प्रकार के, तो आप काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इस तरह का वीडियो पसंद करता हूँ, तो आप कहेंगे आई लाइक दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो या आई लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो। फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक से रिलेटेड 3 sentences आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 3 sentences कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही यूज किया या नहीं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।